जाने हिंद है सुभाष, माने हिंद है सुभाष, और साने हिंद है सुभाष, सच्चे देशभक्त है सुभाष। जी हाँ, मैं उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका देश के आज़ादी से जुड़ा हुआ है, और उनके देश को आज़ाद करने में उनकी भूमिका को हम जरा सा भी कम नहीं आंक सकते। उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है उससे स्पष्ट होता है कि वो देश की आज़ादी के लिए अपने आप को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कोई कैसे भूल सकता है। बचपन में हमने खूनी हस्ताक्षर और नेताजी का तुलादान कविता पढ़ा था। निश्चित ही बहुत ही भावुक और जोश और उत्साहपूर्ण ये कविताएँ थी। उनका जीवन संघर्षों की गाथा है। मैं कुछ जीवन प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। बचपन में से ही वे मेधावी थे और सभी विषय में उनको अच्छे अंक मिलता था, लेकिन उनके खुद की अपनी लैंग्वेज बांग्ला में उनको कम अंक मिलता था, जिससे उनके जो साथी थे उनको चिढ़ाया करते थे, टीचर भी मजाक उड़ाया करते थे। तब उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि सारे विषयों में अच्छे अंक आने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक मैं अपनी भाषा में अच्छे अंक ना लाऊं, और कठिन मेहनत करके वार्षिक परीक्षा में उनको ना केवल दूसरे विषयों में बल्कि बांग्ला में भी अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। निश्चित ही यह उनके कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा था। एक कहानी और है कि एक बूढ़ी भिखारिन उनके घर के सामने रहते थे। उनको देख करके सुभाष जी को लगता था कि मेरा जीवन इनके तुलना में कितना सुखमय है। यह रोज़ भीख मांगती है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सभी स्थितियों में इसको बाहर ही रहना पड़ता है। तो मेरी ऐसी आज़ादी का, मेरी ऐसी स्वतंत्रता का, मेरी ऐसी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है जब तक भारत का एक नागरिक भी इस तरह के दुखमय ज़िंदगी जी रही है। मैं खाली हाथ ऐसे धरे के धरे नहीं रह सकता। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने तरीके से जैसा भी सहायता कर सकते थे करेंगे। काले से उनके घर की दूरी 3 किलोमीटर थी और वहाँ उनको जाने के लिए जो भी पैसा मिलता था उसको उन्होंने बचा करके उस भिखारिन को देना शुरू कर दिया और स्वयं पैदल कॉलेज जाने लगे। बात उन दिनों की है जब वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे थे। उनके माता पिता ने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया, जहाँ कठिन मेहनत करके उनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय के बढ़ते राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होकर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी त्याग दी। तब उनके भाई शरद चंद्र जी ने एक पत्र लिखा कि तुम्हारे इस निर्णय से पिताजी खुश नहीं हैं, वो बीमार रहने लगे हैं और कह रहे हैं कि तुमने बिना सोचे समझे उनसे विचार विमर्श किए यह गलत निर्णय लिया है। तो शरद चंद्र जी के इस पत्र के जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः पत्र लिखा कि मेरा देश जब तक गुलाम है और ऐसी स्थिति में मैं इंग्लैंड के राजा की वफादारी की शपथ नहीं ले सकता, इसलिए इस पद पर मैं काम नहीं कर सकता। तो शरद चंद्र जी ने पुनः पत्र लिखा कि पिताजी तुम्हारे इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्होंने पुनः विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तुम वापस आओगे तो अंग्रेज अधिकारी तुमको परेशान करेंगे, हमें चैन से नहीं रहने दिया जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। तब सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए इस तरह का कोई भी गलत निर्णय नहीं लूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दिया और उनके द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज ने देश के आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो धन्य है सुभाष चंद्र बोस और धन्य है उनका यह निर्णय, जिन्होंने उनको बहुत दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी और एक अच्छे नेता के रूप में हमारे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।